तो इस वक्त हम अगर देखें साउथ एशिया में, एशिया के इस पार्ट में, रशिया से लेके नीचे श्रीलंका तक, और इधर आप देख लें अफगानिस्तान, सऊदी अरब से लेके बर्मा तक, तो शायद एक ही स्टेबल कंट्री नजर आता है, दैट इज इंडिया। बाकी सब जगह मसले चल रहे हैं। इंडिया स्टिल राइजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोदी टुक ऑफिस and first he went to Japan, China and Brazil. No prime minister had ever gone to foreign countries in his first 3 weeks in office. And he announced a few weeks later a new foreign policy for India. It was that India would no longer just be a balancing factor in global diplomacy, it would be a promoter of initiatives in global diplomacy. Direct bol raha hu, yahan jo Indian government ya jahan jo सर्कल्स है, जो बात हो रही है, पहली प्रॉब्लम है आरजू जी कि भाई जो श्रीलंका में हुआ या हो रहा है, पाकिस्तान उससे कितना दूर है? हमारे हिसाब से बहुत दूर नहीं। अभी आपने अमेरिकन सरकार के एक प्रवक्ता तथा उसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में सुना, जिसमें यह बताया गया है कि एशिया में भारत एकमात्र स्टेबल देश है, जिसके कारण विश्व के राजनयिकों का भारत में आना जाना तथा विश्व के दूसरे देशों का भारत में निवेश लगातार जारी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर बढ़ती ताकत तथा भारत के कूटनीति के कमाल को बयान करती पाक मीडिया की चर्चा, आइए आगे सुने। दुनिया के ये सारे मुल्क हैं जिन्होंने 15 से 31 मार्च 15 दिनों में अपने फॉरेन मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर्स भारत को भेजे हैं। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ग्रीक, रशिया, चाइना, ओमान, श्रीलंका, जापान, मतलब बेशुमार मुल्क, इन सब ने मैक्सिको, भारत में अपने मिनिस्टर्स भेजे हैं। यह है इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ भारत। यह अमेरिका का एक्स एम्बेसडर बता रहा है कि मोदी जी क्या हैं। रशिया के इन्वेजन के बाद जापान ने भारत को $42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। बात करें इससे आगे बढ़कर श्रीलंका की, तो आजकल वहां पे जो सिचुएशन है आपको भी मालूम है और काफी उसको सीरियसली लिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों? जबकि हमने श्रीलंका को $1.4 बिलियन दिए, $400 मिलियन का करेंसी स्वैप भी दिया, अब भी दवाई भेजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मदद कर रहे हैं आज के डेट में भी। पर और वहां उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने एक और काम कर लिया वहां पे, उन्होंने वहां पे एक और काम जो कर लिया कि जो ये राजपक्षे वगैरह थे, इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने इंडिया और चाइना में रेस लगा दी, पैसे कौन ज्यादा देगा, आप देंगे आप देंगे। चाइना से बेतहाशा पैसा लेते रहे, देने की उनकी हैसियत थी नहीं। और आज हालत यह है अर्जु जी, स्ट्रीट लाइटें 5-5 घंटे दिन में बंद है, लाइट कट 7-8 घंटे, कचरा उठ नहीं रहा बिकॉज कचरे उठाने की जो गाड़ी है उसके लिए पेट्रोल नहीं, बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे बिकॉज लिखने का पेपर नहीं है, स्टेशनरी नहीं है। श्रीलंका में सरकार के ऊपर, श्रीलंका कंट्री के ऊपर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, और ये इतने से कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, और उसमें सबसे बुरा जो किरदार अदा किया ना, वो चाइना का है। चाइना का यही होता है कि चाइना पैसे देता है खुल के और कंडीशंस इतनी टाइट रखता है कि एक ना एक दिन फिर उस कंट्री ने तबाह होना होता है। अब जब पैसों का अंबार आना शुरू होता है तो खर्चे भी बढ़ा देती है सरकारें, जैसे पाकिस्तान में हुआ, जैसे कीनिया में हुआ, जैसे मालदीव्स में हुआ, मालदीव्स को भी भारत ने जाके बचाया था। ऐसे जहाँ जहाँ चाइना जाता है यही करता है, फिर वो कंट्री उसकी शिकंजे में आ जाती है। अब चाहे श्रीलंका बिल्कुल तबाह हो गया, बैंकरप्ट हो गया, वहाँ की हालत ख़राब है, वहाँ पे बिल्कुल वेनेजुएला जैसी सूरत हाल है, मिनिस्टर सारे, कैबिनेट पूरी रिजाइन कर चुकी है, लोगों का हाल खराब है, ऐसे में सोशल मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है सरकार ने, कर्फ्यू लगा दिया है, और श्रीलंका एक बिल्कुल ही तबाह होने के किनारे पे आ गया है। ऐसे में भारत बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है। कुछ महीनों पहले भारत ने शुरू की थी मदद, जब $900 मिलियन की मदद की कर्जा दिया था श्रीलंकन सरकार को, फिर डिफॉल्ट पेमेंट पे काफ़ी चीज़ें भी दी थी,
और बड़ी कोशिश कर रहा है भारत के श्रीलंका को किसी तरह स्टेबल कर दे। भारत इज नॉट लाइक चाइना के ऐसे मौके पे अपना कोशिश करे कि उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले। वो भारत ऑनेस्टली श्रीलंका को बचाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का केस दूसरा है। पाकिस्तान में इस वक्त आर्मी को सबसे ज़्यादा डर अगर है तो वो यही है कि यार इस सारे क्राइसिस में इस वक्त आसान है भारत मिनटों में पीओके गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा कर ले। जो श्रीलंका में हुआ या हो रहा है पाकिस्तान उससे कितना दूर है? हमारे हिसाब से बहुत दूर नहीं। बाउंड्री नियाजी साहब खुद कह रहे हैं 40,000 टेररिस्ट यहाँ है। ये मिस्टर इमरान खान नियाजी कह रहे हैं, सुमित पीर नहीं कह रहा। और ये कुछ नॉन अननोन जोड़ लीजिए, जो 50,000 निहायती शरीफ नागरिक पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और अभी ये जो पावर वैक्यूम बना, जो क्राइसिस बना है, द क्वेश्चन इज हाउ सेफ इज पाकिस्तान्स न्यूक्लियर आर्सेनल। और अगर कुछ गड़बड़ अभी हो गई, बात किससे करें आरजू काजमी को छोड़ने के बाद, तो छोड़। आपने देखा होगा हमने एज इंडिया करीब 500 प्रोजेक्ट आउट ऑफ इंडिया कंप्लीट, मैक्सिमम अफगानिस्तान में थे। पर आरजू जी आपको एक चीज कहीं नहीं मिलेगी कि इंडिया डेट ट्रैप। आपको कोई कंट्री ऐसी मिले जिसने बोला भाई इंडिया ने हमें डेट ट्रैप में फंसा, हमने भी दुनिया की मदद। दुनिया में आज 50 कंट्रियां आरजू जी ऐसी जो चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुकी है। 50 इज 1/4 ऑफ द टोटल कंट्रीज। ये बहुत खतरनाक और डरावना नंबर है। अभी पीछे मोजाम्बिक में क्या हुआ, उनके पास एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, चाइनीज से $200 मिलियन लिए, कब्जा कर लिया जी एयरपोर्ट पे। $200 मिलियन में तो जमीन नहीं मिल जाए एयरपोर्ट की, एक साल पे लीज पे, एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हवन टोटा पोर्ट उन्होंने श्रीलंकन से ले लिया 99 साल में, ग्वादर की भी अलग। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।